का दिन है कि मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन दे और दोनों बहुत खुश रहें, दुनिया की सारी खुशियां उनको बख्शे। सर, बहुत ही अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं आज। तो आज चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी होनी है और इस शादी में शिरकत करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त पंजाब के सीएम हाउस की तस्वीरें। यहाँ पर आप देखिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया है, साथ में जो ग्रंथी हैं वो भी गाड़ी के अंदर सवार हैं और अंदर ले जाया जा रहा है। यानी जो आनंद कारज, यानी सिख धर्म के अनुसार जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, आनंद कारज की रस्म कहा जाता है इसे, वो सीएम हाउस के अंदर ही होने जा रही है। पहले ये जानकारी थी कि चंडीगढ़ के सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में ये रस्म हो सकती है, लेकिन सीएम हाउस के अंदर ही ये आनंद कारज किए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप है, पावन स्वरूप, उसको यहाँ पर लाया गया है। ग्रंथी हैं और जो साथ में जो सिख धर्म से जुड़े लोग हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं उसके अंदर जो स्वरूप है श्री गुरु ग्रंथ साहिब का, उसको रखा गया है। उसके चारों ओर फेरे लेकर गुरप्रीत कौर और भगवंत मान परिणय सूत्र में बंधेंगे। और भगवंत मान ने पहले ही साफ कर दिया था कि एक सादे समारोह में वो शादी करेंगे, परिवार के कुछ लोग और कुछ नज़दीकी लोग इसमें शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंच रहे हैं और जानकारी ये है कि भगवंत मान के पिता नहीं हैं, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ही जो पिता की रस्में होती हैं, एक दूल्हे के पिता की रस्में जो होती हैं वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा करवाई जाएंगी। इस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जो पावन स्वरूप है वो यहाँ पर सीएम हाउस में पहुँच चुका है और आनंद कारज की रस्म होगी। उसके बाद एक छोटा सा रिसेप्शन भी अंदर रखा गया है, एक लंच का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें भगवंत मान और गुरप्रीत कौर फेरे लेने के बाद, परिणय सूत्र में बनने के बाद लंच का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। जो मेहमान यहां पर जुटेंगे उनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर